दोस्तों हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारी सरकार जो है सो वो बिक चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस बिकी हुई है, महाराष्ट्र की सरकार बिकी हुई है और सीबीआई को जांच नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है छोटे मोटे लोगों से। जो मुख्य मुख्य आरोपी है सूरज पंचोली, सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट, इनसे पूछताछ नहीं की जा रही, तो सिर्फ चंद्रीला भंसाली और इन लोग से पूछताछ किया जा रहा है जिनका कोई इस केस से कुछ खास लेना देना नहीं। मुख्य आरोपी इसमें एक है, ये यशराज फिल्म जो है, आदित्य चोपड़ा भी हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बड़े बड़े फिल्मों को नहीं करने दिया। आपको शायद मालूम है कि नहीं, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और यहाँ तक कि ये जो फिल्म आया था लास्ट पद्मावती, ये भी चंद्रलीला भंसाली सुशांत सिंह राजपूत के साथ करना चाहते थे, लेकिन इन लोग ने इसमें अड़ंगा अड़ा करके सुशांत सिंह राजपूत को ये काम नहीं करने दिया। हम जानते थे कि अगर संजय लीला भंसाली का फिल्म अगर सुशांत सिंह राजपूत कर लेता तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार हो जाता है, क्योंकि उसमें तो ऐसे ही ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे भी उनका फिल्म देख सकते हैं, किसी छोरे ने लास्ट 1.5 करोड़ कमाया था। इनको मारने का साजिश बहुत ही साफ साफ का देखा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत को नीचे गिराने की कोशिश इन लोगों ने शुरू से ही किया था। 7-8 साल में लगातार इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर करने का प्रयास किया, लेकिन जब ये अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो इन्हें लगा कि ये बाहर होने वाला नहीं है लड़का ही। और जब इनका फिल्म 1.5 करोड़ कमा लिया छिछोरे, तो ये एकदम इसको जान के पीछे पड़ गया कि अब तो इसे मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये अगर जिंदा रह गया तो निश्चित रूप से अगला सुपरस्टार तो यही है। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, इस सबको पीछे छोड़ करके साल 2 साल में सबसे बड़ा सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको मालूम चल गया क्योंकि ये तो फिल्म लाइन के हैं ही, इनको मालूम है कौन कैसे राइज करता है। यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत को फूल फूल प्राण की तरह मारा गया है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन मुंबई पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मैं मानता हूँ कि ये जो मुंबई पुलिस ही पैसा कमाने में लगी हुई है, इन सब बड़े बड़े लोगों से पैसा कमा कमा करके इनको इनसे पूछताछ भी नहीं कर रही है। सलमान खान को तो मालूम ही है किस तरह से वो पैसे के दम पर आज जेल से बाहर है, नहीं तो 10-20 साल के लिए तो जेल में होना ही चाहिए था। इसलिए कहा है ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, पैसा तंत्र है, लठ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। तो क्या कहा जाए, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हम लोग के लिए जो रास्ता बचा है वो है लगातार सड़क पर उतरना, विरोध करना, और हम लोग जितना भी हो सके, जो भी हो सके, किसी भी कीमत पर सुशांत सिंह राजपूत को तो न्याय दिलाना ही है। बॉलीवुड का एक भी फिल्म नहीं देखना है, क्योंकि ये लोग अपना इनका असली चेहरा, गंदा चेहरा सामने आ चुका है। ये लोगों को फिल्म देखने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब इन लोगों का चेहरा देखना भी संभव नहीं, जिन्हें मैं इतना प्यार करता था, बड़े बड़े एक्टर, इनको अनपढ़ गंवार के सामने, सुशांत सिंह राजपूत के सामने इनका क्या औकात है? जो इतना बड़ा पढ़ाई में 7th रैंक लाने वाला आदमी, तो इनका फिल्म देखने का तो कोई सवाल नहीं रह गया। एक भी बॉलीवुड स्टार का चेहरा देखने का आज मन नहीं करता है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाए और दोषियों को सजा मिल जाए तो भले ही पब्लिक का गुस्सा शांत हो और वो फिल्म फिर से देख पाएंगे, लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने में देरी हुई या नहीं मिला तो बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार होगा और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, मैं यही कह रहा हूँ। तो बॉलीवुड तो बंद होगा, अच्छी बात है, कोई नया इंडस्ट्री बन ही जाएगा, कोई ना कोई तो बनाएगा ही, क्योंकि फिल्म तो बनना ही चाहिए, बनेगा ही। तो हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार किया जाए और सरकार पर हर तरह से दबाव बनाया जाए। कितना ही बड़ा स्टार का फिल्म क्यों ना हो, वो अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, कोई भी हो, इन्हीं किसी भी फिल्म स्टार ने सुशांत सिंह राजपूत को खुल करके सपोर्ट नहीं किया है। इसलिए हर फिल्म स्टार का, चाहे वो इनसाइडर हो, आउटसाइडर हो, सबका बहिष्कार होगा, कोई भी उन पर खुल करके नहीं बोल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए,
लगातार दवा बनाना, हर तरह से दवा बनाएंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।